आमिर खान के भांजे इमरान खान की ऐसी हालत हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। बंगला छोड़ना पड़ा, करोड़ की फरारी भी बिक गई और फिल्मों से भी बना ली दूरी। तलाक के बाद आखिरकार इमरान खान का ऐसा हाल हो जाएगा ये जानकर अब सब लोग तंग रह चुके हैं। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि आमिर खान, जिनके भांजे इमरान खान एक वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्मों को लेकर खूब लाइमलाइट बटोर चुके थे, लेकिन मौजूदा हाल में इमरान खान की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई। यहाँ तक कि उन्हें अपना बंगला छोड़ना पड़ा, करोड़ों की फरारी भी बिक गई और फिल्मों से दूरी बनाने के बाद अब वो पाई पाई को मोहताज होते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान की बात करें तो इन्होंने अपना पहला कदम 2008 में आई फिल्म जाने तू या जाने ना के संग किया था और इमरान खान का भी ऐसे ही कुछ हाल रहा। पहली फिल्म से इन्हें लाइमलाइट मिली। इमरान खान ने बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में अपना हाथ भी अजमाया। इमरान खान ने करीना कपूर से लेकर कैटरीना कैफ जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम भी किया, लेकिन वो पिछले कई सालों से पर्दे से दूर हैं। वह आखिरी बार साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म कट्टी बट्टी में दिखाई देते। अब सवाल यह है कि आखिरकार इमरान इतने सालों से कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं और आखिरकार उनकी ये हालत इतनी ज़्यादा खस्ता कैसे हो गई। इमरान खान ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनकी आर्थिक हालत इतना ज़्यादा कैसे बिगड़ गई। होता यूँ है कि अभी हाल ही में वोग इंडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने अपनी खराब हालत के बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने खुलासा किया कि वह सिंपल लाइफ जीना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपना आलीशान पाली हिल बंगला छोड़ दिया। इमरान इस पर कहते हैं कि उन्होंने अपनी करोड़ों की फरारी तक बेच डाली है और अपनी बेटी के लिए खुद को वो समर्पित कर चुके हैं। इस पर इमरान ने आगे कहा कि 2016 में मैं बहुत नीचे चला गया था, जहां मैं अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। खुशकिस्मती थी कि मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहा था जिसने मुझे फाइनेंशियली मजबूत कर दिया था, इसलिए जब मैं 30 साल का हुआ तो मुझे पैसों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उस समय यह मेरा करियर नहीं था क्योंकि मैं इससे इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था कि इसके लिए कड़ी मेहनत करना चाहता हूं। इमरान यही नहीं रुकते हैं, आगे ये भी बताते हैं कि जो कुछ भी गैर जरूरी लगे वे धीरे धीरे उनसे किनारा होते चले गए। उन्होंने इस पर बोला कि मैं हाल ही में पिता बना था और मैंने सोचा कि ये कीमती है, ये कुछ ऐसा है जैसे मैं सीरियसली मैं ले लेता हूँ। मैं इमारा यानी मेरी बेटी के लिए खुद का बेस्ट वर्जन बनाना चाहता हूँ। मैंने तय कर लिया था कि अब एक्टर बनना मेरा काम नहीं है, अब मुझे खुद को ठीक करना होगा, अपनी बेटी के लिए सबसे हेल्थी और मजबूत बनना होगा। तो दोस्तों ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि इमरान खान जो बॉलीवुड के चमकते हुए सितारों में से एक थे, लेकिन मौजूदा समय में उन्होंने अपना बंगला बेच दिया है, साथ ही अब वो रेंट पर रहने पर मजबूर हो गए। इसके साथ ही उन्होंने अपने करोड़ों की पोर्शे कार को भी बेच दिया और सीधा और साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए खुद को दुनिया के सामने समर्पित कर चुके हैं।